वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी है, आज से वो इस यात्रा के बेस कैंप कटरा तक ट्रेन से सीधे पहुंच सकेंगे। माता वैष्णो देवी की चौखट तक सीधे पहुंचाने वाली रेल का सफर अब दिल्ली से जम्मू के उधमपुर के आगे कटरा तक पहुंचेगा, जहां से बस थोड़े से ही फासले पर माता वैष्णो देवी का मंदिर है। बीते करीब 10 साल से उधमपुर से कटरा तक के पहाड़ों को काटकर सुरंगों और नदियों पर पुलों के जरिए रेल का सफर तय करने में भारतीय रेल को कड़ी मेहनत करनी पड़ी है। तो अब इंजीनियरिंग के उस नए चमत्कार को नमस्कार करने उधमपुर से कटरा तक की रेल लाइन देश को सुपुर्द करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटरा पहुंच रहे हैं। पीछे हिमालय पर्वत श्रृंखला की त्रिकुटा रेंज की वो पहाड़ी है जहां माता वैष्णो देवी का मंदिर है और इस हिंदू धार्मिक स्थल पे सालाना करोड़ों लोग, करोड़ों भक्त यहां पे दर्शन के लिए आएंगे। और अब ये पूरा इलाका रेल नेटवर्क में जुड़ गया है माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन के उद्घाटन के साथ ही। जी हाँ, जम्मू से चलकर उधमपुर होते हुए कटरा तक रेल लाइन की शुरुआत हो चुकी है, जो कि यहाँ के लोगों के लिए, न केवल माता देवी के भक्तों के लिए बल्कि इस पूरे रीजन के लिए एक बड़ा तोहफा होगा। नरेंद्र मोदी आज कटरा में ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। सुबह 10 बजे कटरा से उधमपुर की ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रेल मंत्री भी मौजूद रहेंगे। कश्मीर घाटी में रेल पहुंचाने का सपना कभी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा था। मनमोहन सिंह सरकार ने इसे परवान चढ़ाया। 2005 में जम्मू से उधमपुर के बीच पटरियों पर ट्रेन सरपट दौड़ने लगी, तो अब उधमपुर से कटरा के बीच रेल दौड़ने लगी है। आसमान छूती महंगाई से कैसे दिलाया जाए जनता को छुटकारा? पिछले कई दिनों से इस सवाल से परेशान मोदी सरकार आज फिर इस मुद्दे पर मंथन करेगी। आज महंगाई के मुद्दे पर केंद्र और राज्यों के कृषि और खाद्य मंत्रियों की बैठक होने वाली है। आसमान छूती महंगाई और उस पर मॉनसून की लेट लतीफी का बुरा असर। मोदी सरकार को पहले ही मोर्चे पर महंगाई से साख बचाने की चुनौती दे डाली, तो आनंद फानंद में केंद्र ने भी हालात संभालने के लिए राज्यों के साथ बेहतर तालमेल की कोशिशें शुरू कर दी हैं। आज मोदी सरकार के वित्त मंत्री अरुण जेटली, कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह, खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान के साथ सभी राज्यों के कृषि और खाद्य मंत्रियों से महंगाई और मॉनसून संकट पर दिन भर चर्चा करेंगे। गौरतलब है कि मोदी सरकार ने महंगाई काबू करने के लिए आलू और प्याज पर फिर से स्टॉक सीमा तय करने का फैसला कर लिया है और इसे तय करने का जिम्मा राज्यों पर छोड़ दिया है। बैठक में राज्यों के साथ सूखे के हालात में आपात तैयारियों पर भी चर्चा होगी, तो दूसरे सत्र में देश भर में खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने के सवाल पर खास चर्चा की जाएगी, जिसे मनमोहन सरकार ने आखिरी वक्त में संसद से मंजूर कराया था। प्रीति जिंटा और नसवाडिया के बीच चल रहे विवाद में नेस को पूछताछ के लिए दी गई 48 घंटे की मोहलत आज खत्म हो रही है। माना जा रहा है मुंबई पुलिस आज नेस से पूछताछ कर सकती है। बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति जिंटा और उद्योगपति नेस वाडिया के बीच के विवाद में गवाहों के बयानात के साथ अब बारी खुद वाडिया से सवाल जवाब की है। मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस थाने की जांच टीम ने वाडिया को पूछताछ के लिए 48 घंटे की मोहलत दी थी, जो अब खत्म हो गई है। और माना जा रहा है कि आज नेस वाडिया से मुंबई पुलिस विवाद के तमाम पहलुओं पर पूछताछ कर सकती है। इसके पहले वाडिया 30 मई को वानखेड़े स्टेडियम में घटी घटना के 9 चश्मदीदों की लिस्ट मुंबई पुलिस को सौंप चुके हैं और ये बयान भी जारी किया है कि चश्मदीद गवाहों के बयान स्टेडियम की घटना और प्रीति के लगाए झूठे आरोपों की निष्पक्ष पड़ताल में मददगार साबित होंगे। हालांकि मुंबई पुलिस अब तक 11 गवाहों के बयान दर्ज कर चुकी है, जिसमें 6 गवाह बेहद अहम बताए गए हैं। इस बीच प्रीति जिंटा पहले ही फेसबुक पर सफाई पेश कर चुकी हैं कि वो सस्ती लोकप्रियता के लिए विवाद में नहीं पड़ी। इराक में फंसी 40 भारतीय नर्सें अब आईसिस के आतंकियों के कब्जे में हैं। नर्सों के परिजनों के जरिए मिली खबर के मुताबिक आतंकी सभी नर्सों को तिरकित से मोसूल ले जा चुके हैं। हालांकि फिलहाल ये नर्सें कहां हैं इसका पता नहीं चल पाया है। इराक में ISIS आतंकियों ने 46 भारतीय नर्सों को अपने कब्जे में ले लिया है। खबर के मुताबिक तिकृत में फंसी सभी नर्सों को बस में बैठाकर आतंकी जबरन ले गए। वो उन्हें तिकृत के अस्पताल से अपने कब्जे के अस्पताल में ले गए। भारतीय नर्सों के साथ 5 बांग्लादेशी नर्सें भी हैं। द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑल थ्रू दिस मॉर्निंग वाज इन एक्सट्रीमली क्लोज कंसल्टेशन विद द केरला चीफ मिनिस्टर। आवर मिशन इन बगदाद हैज एडवाइज्ड द नर्सेस टू प्रोसीड वेयर दे आर प्रोसीडिंग। विदेश मंत्रालय का दावा है कि सभी नर्सें सुरक्षित हैं और भारतीय दूतावास नर्सों के संपर्क में है। वहीं केरल के सीएम उमान चांडी ने इस मुद्दे पर आज विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की। कांग्रेस ने कहा है कि सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए। किसी को वहां कष्ट पहुंच जाए, हमारे अपने किसी साथी को कष्ट पहुंच जाए या उसकी उसकी उसका जीवन संकट में हो, मैं समझता हूं इसका हम सबको बड़ा ध्यान रखते हुए अपनी बात कहनी चाहिए।
इराक में ISIS के आतंकियों और इराकी सैनिकों के बीच चल रहे घमासान के चलते यहां बड़ी संख्या में भारतीय फंस गए हैं। 40 नर समेत करीब 90 लोग आतंकियों के चंगुल में फंसे हुए हैं। क्या महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के रास्ते अलग हो जाएंगे? क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी? दरअसल मुंबई में पार्टी पदाधिकारियों में ये मांग जोर शोर से उठी कि बीजेपी को महाराष्ट्र में अकेले दम पर चुनाव लड़ना चाहिए। ये दिल्ली में मोदी फॉर्मूले की कामयाबी का ही असर है कि अब बीजेपी इसे हर उस जगह आजमाना चाहती है जहां उसे जरा से भी गुंजाइश दिखती है। लोकसभा चुनावों में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली तो पार्टी के भीतर ये मांग जोर पकड़ने लगी कि अब राज्यों में भी अकेले दम पर झंडा फहराने का वक्त आ गया है। दलील ये कि जब बिहार में कामयाब हो गए तो दूसरी जगह क्यों नहीं। इस कड़ी में पहला नंबर है महाराष्ट्र का। 25 साल पुराना शिवसेना बीजेपी का गठबंधन खतरे में है। प्रदेश नेताओं ने की अकेले चुनाव लड़ने की मांग। महाराष्ट्र में अक्टूबर में होने हैं विधानसभा चुनाव। गुरुवार को आने वाले चुनावों पर रणनीति बनाने के लिए जब मुंबई में प्रदेश भर के आए नेता एकजुट हुए तो ये सवाल सबसे गर्म मुद्दा था कि अब वक्त आ गया है कि बीजेपी को शिवसेना से अलग रास्ता बनाना चाहिए। गठबंधन बीते जमाने की जरूरत थी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव पर माथापच्ची और तेज हो गई है। केजरीवाल असेंबली को भंग कर चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं तो बीजेपी थोड़ा इंतजार चाहती है। दिल्ली में जल्द चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के 27 विधायक गुरुवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के चौखट पर पहुंचे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रपति से दिल्ली में जल्द चुनाव कराए जाने की मांग की। बीजेपी अब तोड़ने पे लोगों को MLAs को तोड़ने पे उतर आई है। हमारी आम आदमी पार्टी के 15 MLAs को पिछले एक महीने में अप्रोच किया गया है। हमारे एक भी MLA ने ये सब स्वीकार करने से मना कर दिया। वहीं इससे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल गृह मंत्री से मिलने पहुंच गए। हुई है जो प्याज और आलू की स्थिति है उसको लेके वो पूछ रहे थे कि क्या हम लोगों ने बंदोबस्त किया है, वो मैंने बता दिया। आप लोगों को तो सब मेजर्स मालूम ही है, पिछले दो महीने से कार्रवाई चल रही है। सियासी गलियारे में इससे पहले की सरकार बनाने की चर्चा गर्म होती उपराज्यपाल ने इन खबरों को नकार दिया। बीजेपी दिल्ली में सर्दियों में चुनाव कराने की तैयारी में है। इसके कई फायदे हैं। मसलन सर्दियों में दिल्ली में बिजली पानी की किल्लत कम हो जाएगी। केंद्र सरकार ने जो कुछ भी महंगाई रोकने के उपाय किए हैं उनका असर भी दिखने लगेगा। सर्दियों में महाराष्ट्र हरियाणा असम में हो रहे चुनाव का फायदा बीजेपी उठाना चाहती है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि वो चुनाव के लिए तैयार है। दिल्ली में कार में एक युवक की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। ये कार सुल्तानपुर मेट्रो स्टेशन के पास लावारिस हालत में खड़ी मिली। यही है वो कार जिसमें मिली है एक युवक की लाश। दरअसल सुल्तानपुर मेट्रो स्टेशन के पास लोगों ने जब एक कार को लावारिस हालत में देखा तो उन्होंने इसकी खबर पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कार का दरवाजा खोला तो अंदर एक युवक की लाश पड़ी थी। युवक के शरीर पर चोट के कई निशान भी हैं। पुलिस को अंदेशा है कि युवक की हत्या के बाद कातिल कार को छोड़कर फरार हो गए। युवक का शव कार की पिछली सीट पर था और कार के आगे का शीशा भी टूटा हुआ है। फिलहाल पुलिस इस बात की तफ्तीश में जुटी है कि यह शव किसका है। क्या आम लोग अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए सरकार से कोई उम्मीद न रखे? हम उत्तराखंड सरकार की बात कर रहे हैं जहां कार्यवाहक मुख्यमंत्री का कामकाज संभाल रही इंदिरा हृदयेश ने दिया है बेहद ही अजीबोगरीब बयान। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में चोरी की वारदातों से लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। कानून व्यवस्था का हाल बेहाल है और लोगों को सुरक्षा देने में नाकाम सूबे की सरकार कुछ ठोस कदम उठाने की बजाय लोगों को नसीहत देने में लगी हुई है। प्रभारी मुख्यमंत्री के तौर पर कामकाज संभाल रही इंदिरा हृदयेश ने एक ऐसा ही बेतुका बयान दिया है। इंदिरा हृदयेश के मुताबिक चोरी की बढ़ती घटनाओं के लिए आम जनता ही जिम्मेदार है। चोरी रोकने के लिए घर वालों को भी अपनी केयर करनी होगी। आप दिल्ली में पैसा सबसे ज्यादा चोरी नहीं होती, सब चौकीदार के पैसे देते मिलकर। यह 2 रुपए नहीं खर्च कर सकता आदमी अपनी सिक्योरिटी के लिए। पैसा जमा करते करते जीवन बीत जाता है और चला जाता है ऊपर। इंदिरा हृदयेश यही नहीं रुकी, उन्होंने आम जनता से दिल्ली की जनता से सीख लेने की सलाह दे डाली। इंदिरा ने घरों की सुरक्षा के लिए प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड रखने की बात कही ताकि चोरी की घटनाओं पर लगाम लग सके। देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन का पहला ट्रायल सफल रहा। हालांकि ये ट्रेन 90 नहीं 100 मिनट में दिल्ली से आगरा पहुंचेगी। गुरुवार को देश की पहली सेमी बुलेट ट्रेन का ट्रायल दिल्ली से आगरा के बीच किया गया। रेलवे का दावा था कि ट्रेन 90 मिनट में 195 किलोमीटर का सफर तय कर आगरा कैंट पहुंचेगी, लेकिन ट्रेन 10 मिनट लेट से पहुंची। हालांकि अफसरों का दावा है कि ट्रायल रन पूरी तरह से कामयाब रहा है। मेरे हिसाब से जो आज तक हम लोगों ने जो ट्रायल किया है उसके हिसाब से ये हम बिल्कुल तैयार हैं और फिट हैं इस काम। आम जनता कब तक सफर कर पाएगी इस रफ्तार से? मेरे विचार में जिस हिसाब से जिस गति से ये काम चल रहा है उसके हिसाब से नवंबर एंड तक ये इंट्रोड्यूस हो जाएगी।
देश की पहली सेमी बुलेट ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सुबह 11:15 पर दिल्ली से चली। 11:38 पर ट्रेन फरीदाबाद पहुंची। 12:23 पर मथुरा तक दूरी तय की। 12:55 पर ट्रेन आगरा कैंट स्टेशन पहुंची। 160 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली इस ट्रेन को 12:45 पर आगरा पहुंचना था, लेकिन अपने पहले ट्रायल में ट्रेन 10 मिनट लेट रही। भोपाल नई दिल्ली आगरा सेक्शन को देखें तो एक ट्रेन ऑलरेडी 150 किलोमीटर पर चल रही है और सेफ्टी नॉर्म्स बहुत सारे फॉलो, इसीलिए हमने उन्हें इस सेक्शन को चालू किया था। एंड आज जो इंस्पेक्शन है वो इसी यही देखने के लिए कि सेफ्टी नॉर्म्स हमारे पूरे हैं, पर हमें उम्मीद है कि सीआरएस हमको कमिश्नर रेलवे सेफ्टी इसका सैंक्शन हमें दे दे। हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली के कई हिस्सों में मॉनसून ने दस्तक दी है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली और उत्तर भारत के कई हिस्सों में मॉनसून पहुंच गया है। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में मॉनसून ने अपनी दस्तक दे दी है। गुरुवार को भारी उमस के बाद हरियाणा, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश और दिल्ली के कई हिस्सों में जमकर बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक मॉनसून की बारिश की शुरुआत हो चुकी है और अगले कुछ दिनों तक ऐसे ही जारी रहेगी। फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए मौसम विभाग ने आज डिक्लेयर किया है कि मानसून एनसीआर दिल्ली में पहुंच चुका है, साथ ही साथ पूरा पंजाब कर पूरे हरियाणा के इलाकों में मानसून पहुंचा है। यहां तक कि उत्तरी राजस्थान कुछ हिस्सों तक मानसून ने आज अपनी दस्तक दी है। एक और जहां मानसून आने से किसानों में खुशी की लहर है, तो वहीं राजधानी दिल्ली में जगह जगह हुए जलभराव के चलते जाम की समस्या से लोगों को रूबरू होना पड़ा। पानी निकासी की सही व्यवस्था न होने के चलते गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया और गाड़ियां रेंगती नजर आई। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में दिल्ली और इसके आसपास के इलाके में भारी बारिश की संभावना है। पटना के पीएमसी हॉस्पिटल में एक युवक के पेट से ऑपरेशन के दौरान निकाला गया एक चाकू और दो पेन। इस युवक के पेट में दर्द होने की शिकायत पर परिजनों ने इसे डॉक्टर को दिखाया। जांच के बाद एक्सरे में युवक की बड़ी आंत और छोटी आंत में एक चाकू और दो पेन होने का पता चला। मरीज के पेट से निकला एक चाकू और दो पेन। पटना के पीएमसी अस्पताल में भर्ती संतराम के पेट से ऑपरेशन कर निकाला गया एक चाकू और दो पेन। इलाज के दौरान जब संत कुमार की जांच की गई और एक्सरे में चाकू और पेन नजर आया, तो इलाज करने वाले डॉक्टर भी सकते में आ गए। पूरे एहतियात के साथ संत कुमार का ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद संत कुमार की बड़ी आंत से एक चाकू और छोटी आंत से दो पेन निकाले गए। इस इलाज के लिए ये पीएमसीएच आए और हमारे डॉक्टर उमा शंकर सिंह के यूनिट में भर्ती हुए। उन्होंने उनका एक्सरे कराया और उसमें कुछ ऑब्जेक्ट उनको मिला, तो उसी के लिए उन्होंने ऑपरेशन रखा और ऑपरेशन किया। तो उस ऑपरेशन के दरमियान पेट से बड़ी आंत से एक बंद चाकू और दो छोटे छोटे पेन जो है छोटी आंत में फंसा हुआ मिला था और वो ऑपरेशन करके सफल से निकाला गया उनका। सवाल यह है कि आखिर ये चाकू और पेन संत कुमार के पेट में पहुंचे कैसे। दरअसल पश्चिमी चंपारण के रहने वाले संतराम की मानसिक हालत कुछ साल पहले बिगड़ गई, जिसके चलते उन्हें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, इसका एहसास भी उन्हें नहीं था। इस वजह से कब संत कुमार एक चाकू और दो पेन निगल गए, घर वालों को इसका पता तक नहीं चला। मुख्यमंत्री रहते हुए शीला दीक्षित के घर में लगे हुए थे 31 एयर कंडीशन। केरल की राज्यपाल और कांग्रेसी नेता शीला दीक्षित जब मुख्यमंत्री थी, तो उनके आधिकारिक आवास में 31 एयर कंडीशनर और 25 हीटर लगे थे। आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी के जवाब में कहा गया है कि 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग स्थित शीला के आवास पर कम से कम 31 एयर कंडीशनर, 15 डेजर्ट कूलर, 25 हीटर, 16 एयर प्यूरिफायर, 12 गीजर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगे थे। ये घर अब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आवंटित कर दिया गया है। 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग का बंगला श्रीमती शीला दीक्षित ने खाली किया, तो उसमें उस समय क्या क्या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स वगैरह लगे हुए थे, तो बड़ी चौंकाने वाली जानकारी आई कि एक बंगले में 31 एयर कंडीशनर, करीब 25 हीटर, 15 डेजर्ट कूलर, 2 बड़े बड़े फ्रिज, उसके अलावा एक डीप फ्रीजर। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने कहा है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री की जरूरतों के मुताबिक बंगले में बिजली से जुड़े नवीनीकरण पर 16,81,000 रुपए का खर्च हुआ था। राज्यपाल के रूप में शीला के केरल राज्य भवन जाने के बाद इस घर से हटाए गए उपकरणों और वस्तुओं को विभिन्न सरकारी कार्यालयों में जरूरत के मुताबिक आंशिक तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष अग्रवाल को उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार शेष एयर कंडीशनरों और वस्तुओं को जब भी जरूरत कार्यालयों में जरूरत के मुताबिक आंशिक तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष अग्रवाल को उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार शेष एयर कंडीशनरों और वस्तुओं को जब भी जरूरत पड़ेगी उनका इस्तेमाल किया जाएगा। और अब देखिए कैसे मध्य प्रदेश के देवास में एक तेंदुए ने मचा दी दहशत।
कैसे एक तेंदुए ने घंटों वन विभाग के अफसरों को छकाए रखा। इस तेंदुए की वजह से एमपी के देवास में हड़कंप मच गया। सबसे पहले तेंदुए को देवास के शिवपुर मुंडला गांव के घर में देखा गया। तेंदुए को देखते ही गांव वाले दहशत में आ गए। गांव वाले लाठी डंडे से लैस होकर तेंदुए को पकड़ने में जुट गए। लोगों ने तेंदुए को खदेड़ा और एक कमरे में बंद कर वन विभाग को इसकी सूचना दे दी। फिर उसके हमने बात उसको हमने गांव वाले ने सब इकट्ठा हो गए। जब हमने विचार करा हमने कि क्या करना चाहिए। कल भी आया था वो तो हमने क्या हम रेंज ऑफिस में टेलीफोन करें। गांव में तेंदुए की खबर लगते ही वन विभाग के साथ पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को बेहोशी का इंजेक्शन देकर जाल में बंद कर दिया। यंग लगभग एक से डेढ़ साल के बीच की इसकी उम्र रही होगी और किसी को क्षति नहीं पहुंची। पूरे ऑपरेशन में सफलतापूर्वक ये ऑपरेशन संपन्न हुआ। गांव में तेंदुआ या दूसरे जंगली जानवरों के घुसने की ये पहली घटना नहीं है। गांव वालों के मुताबिक आसपास घने जंगल हैं, जिसकी वजह से खाने की तलाश में जंगली जानवर गांव में घुस आते हैं। टेनिस सुपरस्टार मारिया शारापोवा के बयान कि वो मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को नहीं जानती। सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। लोग शारापोवा को जमकर खरी खोटी सुना रहे हैं।